सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंट मैन 3 के बारे में, यानी कि एंट मैन द वॉस्प क्वांटम क्वांटूमेनिया के बारे में। तो गाइस, पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ तो रिव्यू क्या करूँगा भाई। फिर भी कर देते हैं भाई रिव्यू। तो गाइस, इस मूवी में एमसीयू की दूसरी मूवी की तरह एंट मैन द वायस क्वांटम मेनिया जो है ये बहुत ही मज़ेदार हो जाती है, क्योंकि गाइस फिल्म की मूवी इंटरवल के पहले तक स्टोरी को जो है वो डेवलप करती है, उसके बाद स्टोरी जो आगे बढ़ती है तो गाइस इंटरवल के बाद जो है कहानी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है। तो गाइस खासकर क्वांटम रेल में अनोखी दुनिया आपको रोमांचित कर देती है। फिल्म का क्लाइमैक्स जो काफ़ी मज़ेदार है गाइस, खासकर एमसीयू के नए सुपर विलन यानी कि जो तगड़े वाले कॉन्ग रहते हैं गाइस, वो एंट मैन के साथ भिड़ते हैं, जो गाइस बहुत ज़ोरदार रहता है भाई। फिल्म के डायरेक्टर पेटन री ने एक बार फिर शानदार काम किया है। करीब 2 घंटे की ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर होने नहीं देती है भाई।